गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो आज आई हूँ काफ़ी दिन बाद, वैष्णो देवी से आने के बाद काफ़ी दिन बाद आई हूँ गार्डन में, और अभी अभी बस प्लांट्स में जो है वो पानी दिया है। पहले एक दो बार पानी दे चुकी हूँ, पर यह है कि कुछ ऐसा आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट था छत पर, क्योंकि लेबर लगी हुई थी। तो फिर लेबर जाने के बाद पूरी क्लीनिंग करी छत की और जो कूड़ा वगैरह है सब हटाया। ये देखिए, इधर भी प्लांट्स जो हैं वो मैंने रख दिए। और ये कूड़ा है पूरा, ये देना है आज स्वीपर को। और इधर देख लीजिए मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी लग रहे हैं, कितने नहीं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए मेरी तुलसी महारानी। और गुलाब तो क्या है ना, इस टाइम पर बहुत अच्छे से खिलने लग जाता है। ये देखो कितना मोटा गुलाब आया हुआ है, इमेजिन। ये देखो बहुत ज़्यादा मोटा आया हुआ है ये गुलाब, और शायद कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, बहुत ज़्यादा मोटा है ये गुलाब, देखो। और ये देखो कली, देख लो कली से आप अंदाज़ा लगा लो, कली इतनी मोटी आ रही है इसकी, गुलाब की। एक गुलाब यहाँ आया हुआ है, ये तो सूखने लग रहा है, दो दिन पहले का है ये। और ऐसे इधर ये कली बनी हुई है, इधर देखो कली बनी हुई है, एक दो तीन कली बनी हुई है, एक ही डाल पे हैं ये। और इस पे एक ये आया हुआ है, और अभी इस डाल पर तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो अभी एक ये है। और इधर देखो, ये देखो ये यहाँ पर भी एक कली बनेगी अभी। ये पत्ते इस तरीके से न्यू आते हैं ना, जब ऐसे रेड हो रहे हैं, तो फिर यहाँ एक कली आएगी। तो गुलाब बहुत अच्छा खिल रहा है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ गुलाब की रौनक। वैष्णो देवी से आने के बाद ना ये देख के बड़ा मन खुश हो गया कि जो गुलाब है ना वो बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा। अब मौसम ऐसा है ना, इसमें गुलाब अच्छे ही आते हैं, इसमें खिल जाते हैं, मतलब थोड़ी सी केयर मांगता है गुलाब, लेकिन अगर आप केयर करके अच्छे से रखोगे ना गुलाब को, तो बहुत अच्छे फूल देता है गुलाब। और इधर देख लो ये बोगनविला, ये गर्मी में भी उतने ही फूल देता है और सर्दी में भी, सदाबहार प्लांट है ये। ये देखो, तो मैं छत पर आई थी काफ़ी दिन बाद, सोचा आपको प्लांट्स दिखा दूं। और ये देखो जो धनिया मैंने लगाया था ना, जो मैंने धनिया लगाया था दिवाली के बाद बोया था आई थिंक, वो देख लो कितना सारा आया हुआ है धनिया, एक टाइम की चटनी बन जाए इतना धनिया है ये। और बहुत प्यारा लग रहा, बहुत ज़्यादा प्यारा। और इधर मेरे जेड प्लांट ना थोड़े से अब डाउन से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि केयर नहीं हो पाई, चली गई थी वहाँ पर, तो फिर थोड़ा सा केयर रुक ही जाती है प्लांट्स की, कुछ पहले लेबर लगी हुई थी उस वजह से। और ये वाला जो प्लांट है ना मेरा पूरा सूख गया, ये प्लांट था, ये वाला प्लांट था मेरा गुड़हल का, दिखाती हूँ कौन सा वाला है ये वाला जो सूखा है ना, ये वाला प्लांट दिखाती हूँ। ये देखो इसकी कटिंग मैंने यहाँ लगाई हुई है, ये रहा ये मिर्ची गुड़हल है, ये सूख गया है, और इसकी जो कटिंग है ना, इसका जो बेबी प्लांट है वो देखो वो बड़ा हो रहा है, और उस पर कलियाँ देख लो आप, ये देखो कितनी कलियाँ आ रही है। तो ये मिर्ची गुड़हल बहुत अच्छा चलता है विंटर में, तो ये वाला ज़रूर लगाना चाहिए, मिर्ची वाला। इसके ना फूल खिलते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं, ये देखो बंद रहेगा मिर्च की तरह ना, ऐसे बंद ही रहता है ये। तो ये बड़ा प्यारा एक तो, और इधर वाला जो गुलाब है ना मेरा देसी, इसमें चार पांच फूल आए थे, अभी बंद है फूल, धीरे धीरे कली बनेगी तो फिर फूल आएंगे इस पर। और दिखाती हूँ मैं आपको इधर, ये देखो ये वाला जो गुलाब है ना बटन रोज़, इसके तो क्या कहने, ये देखो कितनी कलियाँ हैं इस पर, देखो एक एक डाल पर आप तीन तीन चार चार कलियाँ आएंगी,
और इससे पहले भी अगर मेरे व्लॉग जो लोग पुराना टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता होगा मिर्ची गुड़ैल पे कितने सारे फूल आते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो फूल आपने देखे होंगे ना वो छोटे थे और अब देख लो विंटर में कितने बड़े हो जाते हैं इसके फूल। और ये भी बहुत प्यारा गुलाब है, देखो कितनी कलियाँ आई हुई हैं, इधर भी आई हुई हैं, इधर भी आई हुई हैं और बीच में भी कली आई हुई है, तो पूरा भरा हुआ है ये जो प्लांट है, ये पूरा गमला ना इसने ये गुलाब से भरा हुआ है समझ लो, बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं इस पर। और इसका गमला टूट गया है, ये गमला मुझे चेंज करना है, डर लग रहा है कि चेंज करूँगी तो कहीं प्लांट्स की कोई जड़ टूट गई तो ख़राब ना हो जाए, तो बहुत ध्यान से इसको चेंज करूँगी तो कहीं फूल ना रुक जाए, ये भी डर है, तो देखती हूँ। तो बहुत प्यारा प्लांट है ये वाला ज़रूर आप विंटर में ना एक बार लगाओ, तो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कौन से प्लांट आपको विंटर में लगाने चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मिर्ची गुड़हल की, तो जो मिर्ची गुड़हल का प्लांट है ना ये विंटर में बहुत अच्छा वर्क करता है, बाकी जो अदर गुड़हल होते हैं ना फूल वाले मोटे फूल वाले वो इतना अच्छे नहीं चलते जितना ये मिर्ची गुड़हल चलता है, तो मिर्ची गुड़हल ज़रूर आप विंटर में लगाओ, आपको टेंशन नहीं रहेगी फूलों की, ढेर सारे फूल आते हैं। और ये वाले फूल जो होते हैं ना ये काली माता पे चढ़ते हैं बंगाल में, तो बहुत शुभ होते हैं ये वाले फूल, तो ज़रूर आप मिर्ची गुड़हल लगाओ, देखो ढेर सारी कलियाँ आती हैं इस पर, ढेर सारी कलियाँ, थोड़े पत्ते तो झड़ते हैं विंटर है ना, तो इतना देखो इफ़ेक्ट पौधों पर पड़ता ही है थोड़ा बहुत, तो पौधे थोड़े से जो है ठंड को मानते हैं इस चीज़ को कि ठंड है तो सिकुड़ते ही हैं थोड़े पौधे, तो इस चक्कर में थोड़े पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि विंटर में आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना होता। ये देखो मिट्टी अगर गीली है तो आपने इसमें पानी नहीं डालना, मिट्टी को चेक करके पानी डालना। मैं अपने हर पौधे की ना मिट्टी चेक करती हूँ, जैसे बच्चे को दूध आप हाथ लगा के देखते हैं ना कि गर्म है ठंडा है और निवाया है कैसा पिलाना, उस तरीके से मैं हर पौधे को ना इस तरीके से मिट्टी को चेक करती हूँ कि गीली है तो फिर पानी नहीं डालती, क्योंकि पौधों की जितनी नीड हो ना उतना आपको पानी देना चाहिए, पानी ऐसे नहीं कि आपने रोज़ डालना है भर भर के, तो फिर प्लांट्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, ख़ासतौर पर विंटर में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है। एक तो ये वाला प्लांट है आप लगा सकते हैं विंटर में, दूसरा ये बोगनविला भी आप लगा सकते हैं, बेधड़क होके ले आइए नर्सरी से, ये प्लांट भी बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छे अच्छे फूल देता है, और इसकी जो वैरायटी है ना बोगनविला की बहुत सारी है, इसमें येलो फूल और पिंक फूल और एक लाइट कलर के वाइट फूल, काफ़ी वैरायटी है इसमें, तो ये भी बहुत अच्छा है। मेरा तो ये बहुत पुराना प्लांट है तो इस कलर में ही है ये, और इसमें एक शेड और है, डबल शेड के फूल आते हैं इस प्लांट में भी, तो इसमें वाइट भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ये भी, तो एक ये लगा सकते हैं आप। और इधर मैंने आपको दिखाया ही पहले गुलाब, तो आप देख ही लीजिए गुलाब आप लगा सकते हैं, कश्मीरी गुलाब भी मिलते हैं वो भी बहुत गुच्छों में फूल आते हैं, और इस तरीके का आप इंग्लिश गुलाब लेके आएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे फूल देता है, देख लो आप कितना मोटा फूल है और कितना प्यारा लगता है, तो गुलाब लगा सकते हैं आप, तो गुलाब पे बहुत ज़्यादा आपको फूल देखने को मिलेंगे इस टाइम पर, बस ध्यान वही रखना है सेम, मिट्टी आपने चेक करनी है और फिर पानी देना है। अब आ जाते हैं एक बहुत ही प्यारे से प्लांट पर, अभी इसमें फूल तो नहीं आए हुए, कलियाँ आई हुई हैं, फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखो ये है कलांचो का प्लांट और इसके पत्ते बड़े प्यारे होते हैं, और जेड प्लांट की तरह इसकी केयर होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना आपने और बहुत कम भी पानी नहीं डालना, और विंटर में फूल देखना आप, इसमें गुच्छों में आते हैं, देखो ये कली बनी हुई है, छोटे छोटे फूल आएंगे, इसकी भी बहुत वैरायटी है, आप ले सकते हैं जाके नर्सरी से। ये देखो कितनी प्यारी इस पर कलियाँ आई हुई हैं, पूरा भरा हुआ है ये कलियों से, ये देखो। और सबसे ख़ास बात इस प्लांट की मैं आपको बता दूं, ये जो प्लांट है ना इसके जो फूल हैं एक बार खिल जाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने तक खिले रहते हैं। हाँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप लाइए इस प्लांट को लगाइए और इसकी जो कली है
कलियों वाला ले आना, कली जिस पर आ रखी हो ऐसा ले आना, और फिर फूल खिलेंगे ना तो वो खिले ही रहेंगे आपके। इतना प्यारा और इतना प्यारी लुक देता ना ये प्लांट जब इस पर फूल खिल जाएंगे। अभी थोड़े दिन में इस पर फूल आने वाले हैं, तो जैसे ही आएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी भी वैरायटी है, इसमें भी काफ़ी कलर के फूल आ गए हैं अब तो, लेकिन मेरे पास ये पुराने वाला है, देसी है, तो ये ऑरेंज कलर के फूल देता है। और बाकी दोस्तों, गुलदाउदी का प्लांट है, काफ़ी और भी प्लांट है जो विंटर में फूल देते हैं, और गेंदा तो है ही मशहूर, तो गेंदे पे तो फूल एक बार आने के बाद बहुत टाइम तक खिले रहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो भी प्लांट है ना, बहुत अच्छे प्लांट्स फूल भी देते हैं, कलियां बनी रहती हैं, और फूल जब आ जाते हैं तो फूल भी बने रहते हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो ज़रूर लगाना आप, एक तो ये कलांचो, गुलाब, गुलदाउदी, और ये बोगनविला। गुलदाउदी अभी मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। गुलदाउदी के भी फूल बहुत टाइम तक ना टिके रहते हैं। और ये जो बटन रोज़ है ना, ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये भी आप ज़रूर ला के लगाना विंटर में। बहुत अच्छे इस पर कलियाँ आती हैं, बहुत अच्छे फूल आते हैं, और इसमें भी वैरायटी आती है, सफ़ेद आती है, पिंक आती है, येलो आती है, आप कोई भी वैरायटी का फूल ले सकते हैं, तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है। अभी क्या है ना, मैं विंटर के जो फूल हैं वाले प्लांट हैं वो लेकर नहीं आई हूँ, कुछ जो मेरे पुराने ही हैं ना वही चल रहे हैं, ये सदाबहार है, हमेशा खिले रहते हैं, तो यही चल रहे हैं, अभी मैं लाई नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मौसम ठीक होता है ना, जनवरी एंड में मैं लेके आऊँगी, ताकि वो मई जून तक चल जाए। और ये देखो, ये मैंने माला डाली थी ना गेंदे के फूलों की, ये देखो ये माला, ये देखो अभी दिख रही होगी आपको इधर, देखो उसी में से ये देखो कैसे प्लांट निकले हुए ना, ये सारे गेंदे हैं, और आप इन्हें डिफरेंट डिफरेंट गमले में लगा सकते हैं, और चाहे तो इसी में छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे फूल आएंगे, इसमें पूरा भर जाएगा गमला। और यहाँ देखो, यहाँ भी माला डाली थी तो यहाँ भी आए हुए, एक माला मैंने इसमें डाली हुई है, इसमें भी आए हुए हैं। तो गेंदे के फूल तो मैं बहुत कम लाती हूँ, और इसी तरीके से माला डाल देती हूँ तो उग जाते हैं। और ये मेरी रात की रानी का पौधा बिल्कुल मर चुका था, देख लीजिए, मैंने इसको कटिंग करके छोड़ा था, और अब कितना प्यारा जो है ये भर चुका है गमला, खिल चुका है, लीव्स देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, और बहुत सुंदर हो गया है ये वाला भी मेरा प्लांट अब, और इसमें भी फूल आएंगे, तो ये भी लगा सकते हो आप विंटर में, अच्छा चलता है। तो विंटर में दोस्तों, धनिया के बीज आप डालेंगे तो एक हफ्ते में उग आएंगे, और बहुत अच्छा रहता है धनिया, घर का ऑर्गेनिक चीज़ है, तो लग जाए तो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा गमलों की भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, आप प्लास्टिक की बॉटल में कटिंग करके उसमें डाल दो, थोड़ा सा कोई भी मिट्टी का गमला ले लो उसमें डाल दो, या मिट्टी का कोई भी बर्तन उसमें डाल दो, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। इवन कुछ भी नहीं है ना, तो आप प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है ना, उसमें मिट्टी भर के उसके अंदर बीज डाल के लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा रहता है धनिया। और सब्जियों पे डाल के खाइए, इसकी चटनी बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी मेरा एक सजेशन है कि विंटर में ना आप फूलों के साथ साथ ये धनिया भी उगाएंगे तो अच्छा रहता है, मेथी भी उगा सकते हैं आप, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा अगर जिसको करनी है गार्डनिंग वो लगा सकते हैं, और अभी फ़िलहाल मैंने तो बस धनिया लगाया हुआ है, कुछ और लगाया नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, मैंने विंटर में अपना गार्डन जो है वो रखा हुआ है और आपको दिखाया, और कौन कौन से फूल लगाए हुए हैं वो सारे मैंने दिखाए, और विंटर में कौन कौन से फूल लगाने चाहिए वो भी आपको बताया। तो व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा आज का मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ना गार्डनिंग के व्लॉग आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये स्पेशली गार्डनिंग का व्लॉग बनाया है। तो आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।